अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम डॉक्टर अंजीता फ्रॉम टू थाउजेंड थर्टीन बैच ऑफ सिविल सर्विसेज आज मैं आपके साथ एक नई लेक्चर सीरीज लेके आ रही हूँ दिस लेक्चर सीरीज इज अबाउट द एनसीआर टी आप सभी ने देखा होगा यू पी एस सी एज वेल एज द स्टेट पी सी एस एग्जाम दे आर सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीआर टी तो एन सी आर टी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं लेकिन एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि हिस्ट्री जोग्राफी के एन सी आर टी तो बहुत एलेबोरेटली स्टडी किए जाते हैं बट द साइंस एन सी आर टी इज़ बीग नेगलेक्टेड तो इन दिस लेक्चर सीरीज आई विल कवर द एन सी आर टी फ्रॉम क्लास सिक्स टू टेन ऑफ साइंस साइंस की क्लास सिक्स से लेकर टेन्थ तक की एन सी आर टी को मैं इसमें एक्सटेंसिवली कवर करूंगी एंड इलेवेंथ ट्वेल्थ की एन सी आर टी के उन चैप्टर्स को कवर करूँगी जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ईदर दे आर फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट और बायो से कुछ ऐसे पोर्शन uh, या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स के कुछ ऐसे पोर्शन जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम क्लास इलेवन ट्वेल्थ ऑल्सो और क्लास सिक्स से लेकर क्लास टेन तक की एन को आई विल कवर इलेबोरेटली सो बिफोर वेस्टिंग फोर द टाइम लेट्स स्टार्ट दिस इज माई ई मेल आई डी अगर आप चाहते हैं कि आपको मुझसे कोई सवाल है जिसका मैं जवाब दूँ तो यू कैन ई मेल मी ऑन दिस ई मेल एड्रेस और आई विल रीड द ई मेल एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू तो आज हम क्लास सिक्स साइंस एन सी आर टी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये एन का फर्स्ट चैप्टर है जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम क्लास सिक्स का एन का फर्स्ट चैप्टर आपको बताएगा फूड के बारे में फूड कहाँ से आता है और वो उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं दिस इज अ वेरी बेसिक चैप्टर बट इस बेसिक चैप्टर में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे लगी हैं कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं सो हम उनको डिस्कस करेंगे तो दिस इज फ्लस्ट स्लाइड ये फर्स्ट लाइन में मैंने लिखा है फूड इज नीडेड फॉर फोर मेन पर्पजेज अब फूड का जो पर्पज होता है हमारी लाइफ में क्या होता है हम इस बारे में इसमें डिस्कस करेंगे तो दिस ऑल स्लाइड्स आई हैव टेकन फ्रॉम एन तो ये एन का ही मटेरियल है तो फूड किस चार चीज़ों के लिए जरूरी होता है ग्रोथ के लिए यस टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क यस एनर्जी देता है फॉर रिपेयर रिपेयर वर्क करता है फूड एंड रिप्लेसमेंट रिपेयर भी करेगा और रिप्लेसमेंट भी करेगा अगर किसी बॉडी पार्ट में इंजरी हुआ है तो वो उसको रिपेयर करता है और अगर कोई सेल्स जो कि पुराने सेल्स डेड हो जाते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट करके नए सेल्स का फॉर्मेशन भी के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो फूड प्रोवाइड करता है रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू जो भी डैमेज टिश्यू हो गए हैं उसके रिप्लेसमेंट के लिए वो हेल्प करता है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस फ्रॉम इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं आजकल इम्यूनिटी जिसकी बात हम करते हैं वो कौन प्रोवाइड करता है हमारी स्किन हमारी बॉडी तो प्रोवाइड करती ही है साथ में उसका जो डेवलपमेंट होता है इम्यूनिटी का दैट इज बिकॉज ऑफ फूड जो खाना हम खाते हैं वही इन टर्न हमारी इम्यूनिटी को बिल्डअप करता है तो फूड के चार इंपॉर्टेंट रोल बताए गए हैं ग्रोथ प्रोवाइड एनर्जी रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज टिश्यू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज तो ये हमारे बॉडी के अंदर फूड का रोल होता है तो हमारा जो फूड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से आता है वो प्लांट सोर्सेज से भी आता है वो एनिमल सोर्सेज से भी आता है तो दोनों ही सोर्सेज से हमारा फूड आता है प्लांट सोर्सेज से भी और एनिमल सोर्सेज से भी सो so नेक्स्ट जो प्लांट सोर्सेज से जो हमको फूड मिलता है जो प्लांट सोर्सेज से हमें फूड मिलता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में कुछ चीजें डिस्कस करेंगे तो जो प्लांट्स से जो हमें फूड मिलता है वो क्या होता है ग्रीन प्लांट जो होते हैं दे आर नोन एज प्रोड्यूसर्स ओके तो इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें दी गई हैं इसमें प्रोड्यूसर्स के बारे में बताया गया है तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं तो ग्रीन प्लांट आर नोन एज प्रोड्यूसर मतलब क्यों बोलते हैं उसको हम प्रोड्यूसर एनिमल्स को हम प्रोड्यूसर नहीं बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को ही हम प्रोड्यूसर बोलते हैं मतलब क्या है उसका बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड वो खाना बनाते हैं कैसे कैसे खाना बनाते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर दअर ओन फूड ये अपना खाना खुद बनाते हैं अपना खाना भी बनाते हैं और हमारे लिए भी खाना बनाते हैं जो लोग मतलब मोस्ट ऑफ द काफ़ी सारा हमारा जो फूड है वो प्लांट से आता है हमारा हमारा नहीं ह्यूमन बींग्स का नहीं अदर एनिमल्स का फूड जो है वो भी प्लांट से आता है अगर कोई ये बात कहता है कि नहीं दे आर नॉट वेजिटेरियन दे आर नॉन वेजिटेरियन हार्ड कोर तो जो नॉन वेजिटेरियन फूड भी अगर हम खाते हैं तो जो भी वो नॉन वेजिटेरियन जो हमारा फूड है जो एनिमल है उसका फूड भी प्लांट से ही आता है अल्टीमेटली तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं दे आर प्रोड्यूसर इनको प्रोड्यूसर क्यों कहा कहा जाता है बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड वो अपना खुद का खाना बनाते हैं उस खाने को बनाने के लिए उनको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके बहुत ही बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है लाइट तो लाइट का मतलब क्या है ऑब्वियसली मोस्ट कॉमनली ये सनलाइट की बात हो रही है ओके सेकेंड एयर एयर में अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में क्या पूछा जाता है अगर एयर की बात हो रही है तो एग्जाम में पूछा जाता है यू कैन गेट एन एम सी क्यू इन द फॉर्म ऑफ की एक इस तरीके से सवाल हो सकता है कि प्लांट्स को खाना अपना बनाने के लिए या फोटो के लिए प्लांट्स रिक्वायर सनलाइट प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इस तरीके कुछ क्वेश्चन हो सकता है तो आपको समझना पड़ेगा दिस इज नॉट ऑक्सीजन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत होता है सी ओ टू नॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है प्लांट्स सी ओ टू को कंज्यूम करते हैं एंड दे प्रिपेयर फूड एंड इन टर्न दे रिलीज वॉट दे रिलीज ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं उनको खाना बनाने के लिए जरूरत होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सो दिस इज वन फैक्ट विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट विच वी आर डिस्कसिंग हेयर तो so, प्लांट्स को क्या जरूरत है एक तो लाइट का जरूरत है नंबर वन सेकेंड उनको कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत है एंड नंबर थ्री उनको जरूरत है वाटर का और कौन सा पिगमेंट यूज होता है दैट इज़ क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्या है क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट ये प्लांट्स में पाया जाने वाला ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल जो होता है पिगमेंट दैट इज दैट हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर देअर फूड बाई प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस तो जो ये प्रोसेस होता है पूरा जो जिसमें कि प्लांट्स जो है कार्बन डाईऑक्साइड वाटर प्लस लाइट इन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल जो ये पूरा प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस तो इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज द गैस विच इज यूज फॉर फोटो सिंथेसिस नॉट ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटो सिंथिस ऑक्सीजन रिलीज होती है सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट प्लांट्स पार्ट सर्व एज अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस जो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हम उनको खाते हैं वो हमारे लिए सोर्स है फूड का तो इसमें से भी कई बार सवाल पूछा जाता है तो फ्रूट्स एक तो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को हम खाते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में वेजिटेबल्स के फॉर्म में सीरियल्स के फॉर्म में पल्सेस के फॉर्म में तो हम ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ये जो सारे लिखे हुए हैं फ्रूट्स डिफरेंट पार्ट है वेजिटेबल्स अलग अलग पार्ट से आता है ठीक है सीरियल अलग पार्ट से आता है पल्सेस अलग पार्ट से आते हैं तो जो रूट होते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रूट्स रूट्स ऑफ द प्लांट्स को हम दे आर एडेबल वी कंज्यूम रूट्स ऑफ द प्लांट्स तो वो कौन कौन से कॉमन एग्जाम्पल है कैरेट्स रेडिश टर्निप स्वीट पोटैटो बीट रूट आर ईटन ये क्या होते हैं ये सबके सब, सब रूट्स हैं मतलब अगर आप देखेंगे हिंदी में गाजर मूली शलगम स्वीट पोटैटो बीट रूट बीट रूट को क्या बोलते हैं ओके okay, जो भी बोलते हैं स्वीट पोटैटो शक्करगंधी बोलते हैं ओके okay, तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये सब के सब क्या है दीज आर रूट्स ये रूट्स है प्लांट के जिसको हम खाते हैं तो रूट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो एडिबल हैं तो सवाल इजी इजी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी तो नहीं पूछेगी ऐसा क्वेश्चन लेकिन स्टेट पी पूछ सकते हैं कि वो आपको कुछ लिख के बता सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो लिख सकते हैं स्वीट पोटैटो को कंफ्यूज करा सकते हैं वो स्वीट पोटैटो को पोटैटो के साथ स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर रूट्स ऑफ द प्लांट ऐसा लिख सकते हैं तो विच इज रॉन्ग स्वीट पोटैटो इज द ओनली रूट ऑफ द प्लांट बट पोटैटो इज नॉट रूट ऑल दो ये जमीन के अंदर प्रेजेंट होता है पोटैटो जमीन के नीचे से निकाला जाता है बट ये रूट नहीं है ये एक्सेप्शनल है पोटैटो इज स्टेम पोटैटो क्या होता है स्टेम होता है तो यही चीजें आपको इस वाले लेक्चर से सीखनी है तो हमने क्या पढ़ा रूट्स ऑफ द प्लांट होते हैं वो एडिबल होते हैं जैसे कि इसके कॉमन एग्जाम्पल क्या है रेडिश टर्निप अभी मैं आपको नेक्स्ट uh, एक दो मिनट में बताऊंगी कि रूट्स और स्टेम के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है राइट right? अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए रूट्स होते हैं प्लांट के वो भी एडिबल हैं जिसमें से कॉमन एग्जाम्पल ये सारे थे फिर हम बात करते हैं स्टेम्स की सेकेंड क्या चीज होती है स्टेम्स ऑफ सर्टन प्लांट्स आर ईटन कुछ प्लांट्स के स्टेम्स को भी खाया जाता है सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है स्टेम का शुगर केन शुगर केन क्या है स्टेम है ना स्टेम को क्या बोलते हो आप हिंदी में तना है ना uh, वही बोलते हो ना जड़ होती है रूट्स होती है जड़ और ये तना होता है तो स्टेम ऑफ द प्लांट्स आर ऑल्सो ईटम तो स्टेम्स का जो कॉमन एग्जाम्पल है वो शुगर केन है वो दिखता है ना आपको खेतों में लगा हुआ लाइक like स्टिक्स अगर शुगर केन है तो यू ईट द शुगर शुगर केन एंड शुगर केन इज अ स्टेम स्टेम है वो प्लांट्स का तो वो उसको खाते हैं एंड इज ऑल्सो यूज टू मेक शुगर इन्फॉर्मेशन यू नो इट banana ऑफ बनाना प्लांट इज eaten इन डिफरेंट parts ऑफ इंडिया अब क्या होता है ये तो आप जानते हैं शुगर के इनको तो खाते हैं लेकिन वो बता रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो बनाना प्लांट होता है ना बनाना का जो पेड़ होता है उसका स्टेम और उसका फ्लावर वो दोनों को भी खाया जाता है हम क्या खाते हैं बनाना के फ्रूट को खाते हैं ना तो क्या होता है बनाना का स्टेम और बनाना का फ्लावर भी एडिबल है ये भी आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है तो मैंने इस इंफॉर्मेशन को भी ऐड किया स्टेम और फ्लावर जो होता है बनाना प्लांट का दैट इज ऑल्सो एडिबल फाइन सो हम ये हमने इस वाली स्लाइड से देखा नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है दैट इज सर्टन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम अब मैं उसी की बात कर रही थी अभी हमने देखा पहले हमने पढ़ा रूट्स फिर हमने पढ़ा स्टेम स्टेम जो कि बाहर होगा तना विच इज मोस्ट कॉमन तो हमने बात कर लिया शुगर केन अब कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते, है, होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं मतलब वो जमीन के नीचे भी कुछ प्लांट्स के स्टेम चले जाते हैं जिसको भी हम खाते हैं उसका एग्जाम्पल है पोटैटो अनियंस गार्लिक जिंजर सो जिंजर गार्लिक पोटैटोस एंड अनियंस दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉट रूट्स इससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है यू शुड नो वेरी वेल कि ये सारे के सारे क्या हैं पोटैटो अनियन गार्लिक एंड जिंजर दीज आर नॉट रूट आर स्टेम्स ओके अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है स्टेम में एंड रूट में तो स्टेम और रूट में क्या डिफरेंस होता है ये देख लीजिए स्टेम जो होती है स्टेम मतलब जिसको तना बोलते हैं जो कि जनरली आउटसाइड द आउटसाइड द सॉइल होना चाहिए मतलब ऊपर होना चाहिए और रूट जो इनसाइड द सॉइल होना चाहिए है ना तो स्टेम और रूट में मोस्ट कॉमन डिफरेंस ये होता है कि स्टेम के अंदर जो होते हैं नोड्स होते हैं नोड्स नोड्स क्या होते हैं नोड्स ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जैसे कि शुगर केन की मैं बात करूं आपने ऐसे शुगर केन देखा होगा तो जिसको हम शुगर केन जब हम खाते हैं तो यहाँ पे एक छोटे चोट छोटे से आपको नोड्स मिलेंगे नोड्स वो वाले पॉइंट होते हैं जहाँ से अगर आप इसको ज़मीन में लगा देंगे तो यहाँ से नया प्लांट निकल सकता है नोट से तो नोट जो होते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक मीडियम है मतलब कि अगर फ्लावरिंग एक तो सीड्स होते हैं किस किसी भी प्लांट के सीड्स होते हैं मतलब उसके बीज होते हैं जिसकी वजह से नया प्लांट आता है दूसरा तरीका यह होता है नया प्लांट उगाने का नोड्स के थ्रू आप उसके नोड्स को आइडेंटिफाई कर लो और उस नोड्स के थ्रू भी आप प्लांट्स को नया प्लांट बना सकते हैं तो नोड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो एक टिपिकल एग्जाम्पल होता है स्टेम का तो इन केस ऑफ पोटैटो इन केस ऑफ गार्लिक इन केस ऑफ जिंजर आप जब देखेंगे तो उनके अंदर नोट्स प्रेजेंट होंगे मतलब अगर आप उनको एक गार्लिक को लेके दोबारा से जमीन में डाल देंगे तो इट इट हैज़ पोटेंशियल टू फॉर्म मोर गार्लिक सिमिलरली अगर पोटैटो के अंदर आपने छोटे छोटे से अगर इतना बड़ा पोटैटो है तो उसके बीच में छोटे छोटे से कहीं कहीं पे आप देखना नोड्स होंगे अगर आप कुछ पोटैटो को थोड़े दिन के लिए रख दोगे मान लीजिए पोटैटो पुराना हो जाता है रखे, रखे रखे आपके बास्केट में तो आप देखना उसके बीच में से छोटी छोटी ग्रोथ निकल के आ जाएगी ग्रोथ निकल जाएगी व्हाइट वाइट कलर की तो वो जो ग्रोथ जहाँ से निकलती है दैट इज नोड अगर पुराना हो जाता है पोटैटो उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाता है तो आपके घर में भी पोटैटो के पुराने हुए पोटैटो में से नोड्स फॉर्मेशन में नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी तो स्टेम और रूट का जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है प्रेजेंस ऑफ नोड्स इन केस ऑफ स्टेम तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा रूट्स और स्टेम के बीच में डिफरेंस पूछा जाएगा ऐसा कोई क्वेश्चन अगर यूपीएससी कभी पूछती है या स्टेट पी भी तो वो आपसे ये पूछेंगी कि स्टेम्स जो होते हैं उसमें नोट्स प्रेजेंट होते हैं तो आप बोलेंगे यस तो वही डिफरेंस होता है कि आप कैसे बताएंगे पोटैटो को आप रेडिश या कैरेट से अलग कैसे करेंगे रेडिश या कैरेट से अगर आपको अलग करना है पोटैटो को तो आपको पता होगा पोटैटो में नोट्स होते हैं रेडिश और कैरट्स में नोट्स नहीं होते हैं ठीक है दिस इज़ वन फैक्ट विच यू शुड नो आई दिस इज मतलब ये आपको पता होना चाहिए आपको तभी पता चलेगा कि आ, दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या है नेक्स्ट इज लीव्स ऑफ द प्लांट्स लाइक प्लेटिस स्पिनच कैबेज कॉरियडर मिंट एंड बेसिल आर ईटन अब जैसे अभी तक हमने बात की हम प्लांट्स की एडिबल पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हमने पहले देखा रूट्स फिर हमने देखा स्टेम अब हम क्या देख रहे हैं लीव्स तो हम लीव्स की भी बात कर रहे हैं लीव्स जो होती हैं कुछ प्लांट्स की वो एडेबल होती हैं तो कौन कौन से हैं स्पिनच हो गया कैबेज हो गया कॉरियडर हो गया देखिए कैबेज यहाँ पे लिखा हुआ है कैबेज क्या उसकी है उसकी लीव्स हैं कॉरियडर मिंट बेसिल तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है कैबेज फ्लावर नहीं है उसका ठीक है कैबेज क्या है लीव्स हैं उसके प्लांट्स के लीव्स हैं एक एक पत्ता निकलता है ना कैबेज का तो दीज आर लीव्स फिर होती है बात नेक्स्ट फ्लावर की कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स जो है वो एडिबल होते हैं ठीक है ठीके? वो कौन कौन से कौन कॉमनली कौन से कॉली फ्लावर जिसको आप गोभी बोलते हैं जिसके ऊपर गोभी का फूल वाला गोभी ब्रोकली जो ग्रीन कलर का होता है अगेन फ्लावर शेप दिखाई देता है आपको बनाना के फ्लावर भी एडिबल होते हैं ओके okay, तो लीज के बाद हमने पढ़ा फ्लावर्स नेक्स्ट इज सीड्स सीड्स होते हैं प्लांट्स के वो भी एडिबल हैं बहुत कॉमनली आप जानते हैं पल्सेस में कौन कौन से आते हैं मूंग बीन किडनी बीन, चिक पी, फिर सीरल सीरल्स में आते हैं क्या वीट मेज़ राइस तो ये सारे के सारे जो है सीड्स हैं दो तरीके के सीड्स हो गए एक तो पल्सेस हो गए दूसरे क्या हो गए सीर, सीरियल हो गए ओके जिसमें वीट मेज़ एंड राइस ये सब आते हैं वीट मेज राइस सीड्स पल्सेस, पल्सेस में क्या आते है? सारी है हैं सारी दालें जिसको बोलते हैं आप तो ये सारे भी एडेबल पार्ट ऑफ प्लांट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे स्पाइस है ना मोस्ट कॉमन स्पाइसेज जैसे की जीरा क्यूमन सीड जीरा काली मिर्ची इलायची ये सब क्या चीजें हैं ये सारे भी सीड्स हैं प्लांट्स के ओके okay. ये सब के सब क्या है सीड्स और सीड्स क्या है पल्सेस भी सीड्स हैं ये भी आपको पता चल गया फ्लावर्स आपको पता चल गया लीव्स आपको पता चल गया स्टेम और रूट के बीच में आपको डिफरेंस पता चल गया तो दीज आर ऑल थिंग्स फिर यहां पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है स्प्राउटेड सीड्स स्प्राउट्स जिसमें अंकुरित जो होते हैं ना मूंग बीन्स एंड चिकपी काला चना आर वेरी न्यूट्रिशियस स्प्राउटिंग इन्वॉल्व सोकिंग सीड्स एंड रेनिंग द वॉटर एंड देन लिविंग दैम टिल दे जर्मिनेट सो जो स्प्राउटिंग होती है स्प्राउटिंग इज अ मेथड स्प्राउटिंग में क्या होता है कि आप उसको जो भी मूंग की दाल या फिर काला जना जो होता है आप उसको वाटर में सोक कर देते यू नो ऑल दीज थिंग्स सो उसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है मतलब जर्मिनेशन का मतलब क्या है न्यू प्लांट फॉर्मेशन वहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है अगर जा आप उसी स्प्राउटेड सीड को अगर आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वहाँ से नया प्लांट भी ग्रो करेगा तो ये जो होता है बहुत हेल्दी होता है क्योंकि उसमें से नया प्लांट ग्रो करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्लांट्स आर ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओके ठीक है ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें प्रोवाइड करते हैं प्लांट ये सब हम वही सब कुछ पढ़ रहे थे तो यहाँ पे आपने देखा कि प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स को हम लोग एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं तो वो वेरियस पार्ट्स कौन कौन से थे वो थे रूट्स वो थे स्टेम्स वो थी लीव्स वो थे फ्लावर्स वो थी सीड्स है ना ये सारी जो चीजें थी इसको हम खाते हैं रूट्स और स्टेम के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए लीव्स, फ्लावर्स सीड्स ये तो सब आपको पता है बहुत आसानी से पता चल जाएगा सो दिस इज द डिस्कशन जो कि मुझे इस पार्ट से करना था नेक्स्ट इज ओके अभी तक हमने पढ़ा था फूड फ्रॉम प्लांट्स अब हम देख रहे हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स तो एनिमल्स जो होते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एनिमल जो होते हैं वो भी हमें प्रोवाइड करते हैं फूड किस किस फॉर्म में एनिमल प्रोडक्ट्स हम खा सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट में क्या क्या होता है मीट एग हनी मिल्क चीज बटर एंड कर्ड ये सब के सब एनिमल प्रोडक्ट okay? सब सब के के लिए यूज होते हैं मीट किस किस एनिमल का गोट चिकन फिश प्रॉन्स इज ईटन हैन का जो एग होता है मोस्ट कॉमन बर्ड्स एग ईटन इन वर्ल्ड इट इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड वाइटामिन सम पीपल ऑल्सो ईट एग्जॉफ गूस एंड डक मतलब दिस वॉज द एन सी आर टी दिस इज द एन सी आर टी लाइन ओनली तो एनिमल फूड क्या क्या होते हैं? मीट होता है एनिमल का ऑब्वियसली एनिमल को ईट करना है एग होता है हनी होता है मिल्क होता है चीज़ बटर ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं हनी जो होता है हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्राम द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स ठीक है वो उसके नेक्टर ऑफ फ्लावर्स से हनी बनता है हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स इट इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड ऑल्सो हैज मेडिसिनल वैल्यू अच्छा जो हनी जो कमर्शियल लेवल पर हनी बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं दिस इज अ क्वेश्चन ओके ठीक है आप भून भी लेना लेकिन वो एपिकल्चर होता है ठीक है जो कमर्शियल लेवल पे हनी फॉर्मेशन होता है ना जो हनी के फार्म्स लगा देते हैं बी बी बीज वहाँ पे ऐसे ऐसे फार्म्स बना देते हैं वो एक बॉक्सेस बना देते हैं जहाँ पे बीज आती हैं और हनी को हनी uh, फॉर्मेशन में हेल्प करती है तो वो एपिकल्चर होता है जहाँ पे बीज को पाला जाता है ओके okay? फिर मिल्क मिल्क जो होता एक है एक प्रोडक्ट है एनिमल प्रोडक्ट मिल्क इज ऑप्टेन फ्रॉम द एनिमल लाइक काओ बफेलो गोट प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स तो सबके सब जो मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे उन सबको क्या बोलते हैं कॉमनली डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं तो देखिए आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा बिकॉज स्लोली एंड स्लोली वी विल एडवांस टू द हायर क्लासेस ओके तो ये आपको पता होना चाहिए सो नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज पनीर अभी हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे ना पनीर पनीर जिसको काटेज चीज़ भी बोलते हैं कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग पनीर उसको क्या करते हैं कॉमन मेथड में लेमन जूस डाल देते हैं दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड जो कि घरों में भी यूज होता है लेमन जूस अगर आप मिल्क में ऐड करते हैं या विनेगर ऐड कर देते हैं मिल्क में तो क्या हो जाता है उसका कर्डलिंग स्टार्ट हो जाता है कर्डलिंग क्या होता है उसका लिक्विड पोर्शन अलग हो जाता है और उसका जो सॉलिड पोर्शन जो होता है जिससे हम पनीर बनाते हैं वो अलग हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कर्डलिंग ओके okay. अगर लेमन जूस कोई भी खट्टी चीज जिसमें वाइटामिन सी एक्सेस में है जैसे कि लेमन जूस हो सकता है जैसे कि विनेगर अगर उसको हम मिल्क में डाल देते हैं मिल्क विच इज रिच इन कैल्शियम अगर हम उसको मिल्क के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है लिक्विड पोर्शन अलग हो जाएगा और सॉलिड पार्ट अलग हो जाएगा दिस प्रोसेस इज नोन एज कर्डलिंग तो इसमें से आप ये जान सकते हैं कर्डलिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चीज तो चीज इज मेड फॉर कर्डल मिल्क ऑफ काओ गोट शीप और बफेलो इन सबके मिल्क से ये चीज बन सकता है फिर होती है क्रीम क्या होती है क्रीम इज मेड बाय कलेक्टिंग टॉप फैटी लेयर ऑफ द मिल्क बटर मिल्क इज मेड बाय चर्निंग फ्रेश क्रीम जो क्रीम होती है उसको हम निकाल लेते हैं बटर मिल्क जो होता है जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाता है उसको हम बटर मिल्क बोलते हैं जो बटर मिल्क इज डिवाइड ऑफ क्रीम मतलब इसके अंदर से क्रीम को निकाल लिया गया है तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसके अंदर क्रीम नहीं होती है तो ये लो फैट होता है फिर घी होता है घी इज मेड बाय जेंटली हीटिंग द बटर एंड रिमूविंग द सॉलिड मैटर तो घी जो होता है उसका और रिफाइंड प्रोसेस है जो हमने ऊपर से क्रीम निकाला अगर उसको हीट कर देंगे तो घी बन जातेगा कर्ड क्या होता है कॉमन मेथड ऑफ कर्ड अभी हमने पढ़ा था कर्डलिंग कर्डलिंग कर्ड फॉर्मेशन का मेथड नहीं है कर्डलिंग पनीर बनाने का मेथड है ठीक है कर्ड क्या होता है फिर कॉमन मेथड ऑफ मेकिंग कर्ड इंक्लूड एडिंग स्मॉल सैंपल ऑफ कर्ड कैसे बनाते हो सबको पता है थोड़े से ल्यूक वॉर्म वाटर के बीच में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर दो तो सारा का सारा जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो जाता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया उसकी प्रेजेंस में कर्ड का सैंपल जो होता है वो मिल्क जो होता है कर्ड में चेंज हो जाता है मिल्क से कर्ड बन जाता है मिल्क टू कर्ड और बैक्टीरिया का कौन सा नाम है लैक्टोबेसेलस बैक्टीरिया होता है ये आपको पता होना चाहिए लैक्टो बैक्टीरिया होगा जिसकी हेल्प से मिल्क जो है टर्न हो जाएगा कर्ड में तो कौन सा बैक्टीरिया होता है लैक्टोवेसलस इट इज इसको प्रोबायोटिक भी बोलते हैं जो हम आजकल प्रोबायोटिक की बात कर रहे हैं ना लैक्टोवेसलस बैक्टीरिया अगर किसी को किसी बच्चे को या किसी बड़े इंसान को भी अगर जी आई अपसेट होता है मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में अपसेट होता है मतलब उनको बहुत ज़्यादा डायरिया या कुछ ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है या तो आप दही खाइए या फिर उसकी अगर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है तो हम उसको प्रोबायोटिक के फॉर्म में टैबलेट्स भी देते हैं टैबलेट्स भी दी जाती है उसको प्रोबायोटिक सिरप फॉर्म में भी आता है और कर्ड में तो ये होता है विच डेट लेक्टोबेल गोज इन साइड अवर गट वो हमारे स्टमक में हमारे इंटेस्टाइन में जाता है और वो वहां पे जितने भी प्रॉब्लमेटिक बैक्टीरिया है उसको रिमूव करके मतलब वहां पे खुद एस्टेब्लिश हो जाता है दिस इज द फ्रेंडली बैक्टीरिया फॉर अस तो हम इसको लैक्टोबेसेल को कर्ड के साथ इन द फॉर्म ऑफ कर्ड वी कंज्यूम इट राइट सो अनलाइक ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते एनिमल्स तो इस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड देखिए यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था इस लेक्चर के स्टार्ट में जो जो प्लांट्स होते हैं वही अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं बाकी के एनिमल्स इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स बोला जाता है तो प्रोड्यूसर्स को आना है सिर्फ प्लांट कोई ये नहीं कह सकता वो अपना खाना क्योंकि खुद बनाते हैं जो बाकी के एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं वो उनको ही कंज्यूम करते हैं लेटर ऑन जो भी कार्निवोरस हो सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि वी कंज्यूम ओनली एनिमल नॉट प्लांट सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स रॉन्ग एवरीबडी इज डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स अल्टीमेटली बिकॉज द कार्निवोरस कार्निवोरस एनिमल्स और द नॉन वेजिटेरियन पीपल हु आर ईटिंग अदर एनिमल्स दे आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन दोज देयर फूड इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन द प्लांट्स ठीक है तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तो यहाँ पे हमने दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी हमने यहाँ पे एक तो कर्डलिंग प्रोसेस जिसमें कॉटेज चीज बनता है सेकेंड कर्ड के अंदर क्या होता है कर्ड के अंदर लैक्टोवेसेलस होता है जो उसे मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है लैक्टोवेसेलस इज अ बैक्टीरिया ठीक है ये नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये आपको पता नहीं होना चाहिए लैक्टोवेसिलस इज़ ए बैक्टीरिया बैक्टीरिया होता है ये एक और इसको प्रोबायोटिक भी बोल, मतलब प्रोबायोटिक जो होता है उसके अंदर कॉम्पोजिशन में भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ही मेनली होता है ठीक है और भी होते हैं मेनली होता है आई होप दिस मच इज क्लियर सो वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड ओके सो पीपल लिविंग इन डेजर्ट ऑल्सो ड्रिंक कैमल्स मिल्क अभी हमने मोस्ट कॉमन मिल्क के बारे में देखा था उसमें हमने देखा था काओ बफेलो, गोट लेकिन जो डेजर्ट में लोग रहते हैं वहाँ पे क्योंकि डेजर्ट में अवेलेबल तो डेजर्ट में क्या होता है डेजर्ट में कैमल होता है तो डेजर्ट पीपल दे ड्रिंक कैमल्स मिल्क इन आइस कोल्ड प्लेसेस पीपल मोस्टली हैव याक्स मिल्क तो याक जो होता है याक एक एनिमल होता है यू मस्ट मतलब है वो आइस कोल्ड प्लेसेस पे रहता है जहाँ पे आइस होती है वो लोग याक का मिल्क भी कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल वेरिएशन जहाँ पे जो एनिमल ज्यादा अच्छे से अवेलेबल है लोग उसी का उसी को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं टिनी टैनी ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जिसके मदद के लिए जिसकी देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ेगा उन्हीं को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं है ना रैट को या एंट को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे चीटी हमको माइक्रोस्कोप से भी दिखती है अरे वैसे भी दिख जाती है तो जिनको देखने के लिए जो आपको वैसे नहीं दिखाई देते आपकी खुद की आंखों से उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे जो जिनको देखने के लिए आपको माइक्रो micro, माइक्रोस्कोप का जरूरत है फाइन ओके ठीक है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पर वट डू एनिमल्स ईट ओके सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स बेस्ड ऑन दे आर फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स कैन भी डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रूप्स देखो अब एनिमल्स जो है ना उनका डिविजन किस बेसिस पर होता है उनकी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर होता है तो जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं अकॉर्डिंगली दे आर नोन एज ईदर हर्बीवोरस और कार्निवरस और ओमनीवोरस तो क्या होता है अच्छा यहाँ पर एनिमल uh, में हमने ह्यूमंस को भी इंक्लूड किया है ठीक है वी आर आल्सो ह्यूमन बींग्स आर आल्सो सोशल एनिमल तो ह्यूमन बींग्स को सोशल एनिमल बोला जाता है क्योंकि हमारे पास स्किल्स होते हैं सोशलाइजेशन के तो ह्यूमन बींग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ओके यहीं पे फॉल करेंगे वो कहीं ना कहीं पर तो थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है थ्री ग्रुप्स में एक पहला ग्रुप जो है पहला ग्रुप क्या है कार्निवोरस कार्निवोर्स क्या होते हैं कार्निवोरस एनिमल कार्नी का मतलब होता है मीट वोर का मतलब होता है ईटर तो कार्निवोरस मतलब मीट ईटर आर दोज दैट ओनली ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल देखो यहाँ पे ओनली है क्योंकि कार्निवोरस ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल अब जो ह्यूमन बींग्स आएंगे वो ओमनीवोरस में आते हैं क्योंकि वो दोनों चीजें खाते हैं प्लांट्स भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं तो वो कार्निवोरस नहीं है वो ओमनीवोरस है हाँ अभी आप ये सोच सकते हैं कि देर आर फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड दोज आर कार्निवोरस जो कभी प्लांट्स खाते ही नहीं है हो सकते हैं ठीक है एक्सेप्शन है सो so, लॉय टाइगर जैकल वल्चर आउल ईगल स्नेक स्पाइडर आर एग्जाम्पल ऑफ कार्निवरस तो इसमें ये सब तो आपको पता है स्पाइडर देख लो बस आप स्पाइडर जो होती है स्पाइडर क्या है स्पाइडर आपको हो सकता है वो क्या खाती है वैसे तो आपको पता ही है कॉमनली हम क्या देखते हैं स्पाइडर वेब के बीच में स्पाइडर वेब के बीच में क्या लगा होता है कोई ना कोई मॉस्किटो या कोई ना, कोई ना कोई और इंसेक्ट को वो ट्रैप कर लेती है तो स्पाइडर इज ऑल्सो अ कार्निवर कार्निवोर ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स के ऊपर फीड करती है प्लांट्स नहीं खाती है वो स्पाइडर फाइन आई होप आपको ये समझ में आ रहा है एंड यूर यू आर फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग ओके तो अब हम पढ़ते हैं स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं कार्निवरस के उसके बारे में कार्निवोरस जो कि लॉ एंड टाइगर हैव शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ तो जो कार्निवरस होंगे उनके शार्प जो फ्रंट टीथ होंगे उनके शार्प होंगे एंड पॉइंटेड होंगे उसको कैनाइंस भी बोलते हैं तो कभी कभी जो कार्निवोरस होते हैं उनको कैनाइंस भी बोला जाता है बिकॉज उनके कैनाइंस जो होते हैं दो कनाइन टीथ जो होते हैं उनके वो ही प्रोमिनेंट होते हैं दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज उनके जो पंजे होते हैं क्लॉज एंड पावरफुल जॉज उनकी जॉ भी पावरफुल होगा विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश ठीक है तो उनके कैनाइंस होंगे क्लॉज शार्प होंगे और पावरफुल जॉज होंगे कार्निवोरस देखो ये बेसिक चीजें हैं लेकिन ये आपके बेसिक चीजें आपके माइंड में कुछ बेसिक फॉर्मेशन कर रही है कार्निवोरस बर्ड्स की बात कर रहे हैं ये तो कार्निवर एनिमल्स की बात की या बर्ड्स में क्या क्या स्पेशल चीजें होते हैं दे हैवे कर्वड पॉइंटेड बीक्स दैट अलाउ देम टू टी फ्लैश उनकी बीक जो होगी वो पॉइंटेड होगी कर्व्ड होगी कार्निवोरस लाइक कैमिलियन एंड फ्रॉग हैव लॉन्ग स्टिकी टंग उनकी लंबी सी स्टिकी टी जो कि उनको इंसेक्ट्स को कैच करने में मदद करती है कार्निवोरस फिश जो होती है शार्क हैज सेवरल स्मॉल शार्क टी दैट हेल्प डेम टू बाइट ऑफ चंग्स ऑफ फ्लैश तो ये तीन चार तरीके के एनिमल्स की भी बात हो गई बर्ड्स की भी बात हो गई फिश की भी बात हो गई और कैमिलियन और फ्रॉग मतलब एम्फीबियंस की भी बात हो गई और रेप्टाइल्स की भी बात हो गई ठीक है तो ये सारी चीजें इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स या बर्ड्स में क्या क्या स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ये तो थी बात कार्निवोरस की कार्निवोरस कौन होते थे विच ओनली ईट मीट है ना वो क्या करते हैं वो तो प्लांट खाएंगे ही नहीं वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाएंगे फिर आता है सेकेंड ग्रुप विच इज नोन एज हर्बीवोरस अब सेकेंड ग्रुप है ये हर्बी वोरस क्या होते हैं हर्बी वोरस एनिमल्स हर्बी का मीन्स प्लांट वोरस का मतलब ईटर आर दोज दैट ओनली ईट प्लांट्स वो सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं वो कभी भी नहीं खाएंगे किसी और एनिमल को और प्लांट प्रोडक्ट्स खाएंगे तो काओ डियर हॉर्स जिराफ स्क्वेयरल एंड बटरफ्लाई आर द एग्जाम्पल ऑफ हर्बी वोरस ठीक है बटरफ्लाई है इसमें उसमें क्या था उसमें थी स्पाइडर इसमें है बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई क्या होगी प्लांट के ऊपर ही फीड करती है स्क्विरल भी इन्होंने दे रखा है वो भी प्लांट्स के ऊपर फीड करती है स्पेशल करेक्टरस्टिक्स ऑफ हर्बीवरस अब इनके स्पेशल करेक्टरस्टिक्स क्या होते हैं हर्बीवरस लाइक काउ हॉर्स गोट हैव वाइड ब्लंट टीथ टीथ इनके teeth क्या होते हैं ब्लंट वाइड होते हैं और ब्लंट होते हैं उनके क्या टीथ थे उनके शार्क टीथ थे कार्निवरस के तो इनके ब्लंट क्यों होते हैं दीज टीथ आर सुटेबल फॉर पुलिंग पार्ट प्लांट्स ऑफ द ग्राउंड उनको ना प्लांट्स खींच खींच के खाना है ना एंड ग्राइंडिंग दैम तो ग्राइंड करना है उनको तो उनको चाहिए ब्लंट दांत जो कि ग्राइंड कर सके उनको शेयर नहीं करना ओके लाइक एंड कैमल हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग बैक प्रीवियसली स्वॉलोड फूड टू द माउथ फॉर टूइंग इट सेकेंड टाइम अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे क्वेश्चन भी आता है जो हर्बीवरस होते हैं जैसे कि काव हो गया कैमल हो गया बुफेलो हो गया इनकी ना एक स्पेशल हैबिट होती है क्या करते हैं एक बार जल्दी जल्दी से फूड को सॉलो कर लेते हैं जिस टाइम पे एक बार पहली बार खाते हैं तो जल्दी जल्दी से स्वॉलो कर लेते हैं जितना भी फूड खाना है फिर क्या करते हैं सेकेंड टाइम उसको स्टमक में से दोबारा निकाल के अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको फिर से च्यू करते हैं सेकेंड टाइम च्यूइंग मतलब दो दो बार च्यू करते हैं एक तो जिस टाइम खाना खा रहे हैं जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा च्यू करके स्टमक में ले गए फिर स्टमक में से निकाल के अगेन माउथ देन च्यू अगेन तो इस जो हैबिट होती है इससे क्या होता है दे हेल्प देम अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिय फ्रॉम द हार्ड टू डाइजेस्ट फूड लाइक ग्रास इसको जो ये जो ये जो तरीका होता है ना ये जो ये जो फूड होता है ना जिसको इन्होंने एक बार सॉलो कर लिया फिर दोबारा निकाला उसको बोलते हैं कड तो इसलिए जो ये ये जो हैबिट होती है इसको कडिंग बोलते हैं ओके कडिंग क्या होती है कट जो होता है वो फूड होता है जिसको इन्होंने एक बार खा लिया वो चीज मेनली ग्रास घास होती है वो उसको एक बार खा लिया फिर दोबारा से दे विल जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम देयर स्टमक एंड च्यू इट अगेन फॉर द सेकेंड टाइम दो दो बार च्यू क्यों करते हैं क्योंकि उनको बहुत हार्ड टू डाइजेस्ट होता है ग्रास तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो दो दो बार च्यू करते हैं तो इन जो ये जो मटेरियल जिसको खाया उसको कट बोलते हैं और ये कडिंग इसका प्रोसेस है तो ये कड च्यूइंग एनिमल्स हैं ये कट वाले एनिमल्स हैं कट का मतलब क्या हुआ इन्होंने दो दो बार च्यू किया तो इसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है कडिंग क्या होता है दो बार च्यू करना मतलब टू टाइम्स च्यू करना फूड का एनिमल कौन से होते हैं ये हरबी वोरस ही करते हैं ऐसा कार्डि वोरस नहीं करते कभी भी हरबी बोरस में ये इनके अंदर क्या होता है अपने स्टमक से दोबारा से माउथ में लेके आते हैं जो क्लास uh, सेवन का एनसीआरटी उसमें और डिटेल में दिया हुआ है हम उसमें इसको डिस्कस करेंगे कि इनके स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं इनके अंदर कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं वो हम देख लेंगे सो so, अभी आपको पता होना चाहिए कटिंग ये प्रोसेस है ठीक है ये आपको इस वाले स्लाइड uh, से पता चल गया फिर क्या है एक और फैक्ट है स्कूरल हैज अ पेयर ऑफ ब्रॉड शार्प एजेस फ्रंट टीथ इन ईच जॉ दे यूज दिस नौ फूड आइटम्स लाइक नट्स देखो उसको नट्स को बहुत तोड़ना होता है है ना तो स्क्विरल के जो आगे वाले टीथ होते हैं ना शार्प एजेस फ्रंट टीथ होते हैं अब किसकी जैसे दिखते हैं वो शार्प एजेस होते हैं वो कार्डिवर जैसे दिखते हैं लेकिन वो किस लिए होते हैं वो नट्स को क्रैक करने के लिए होते हैं ओके हर्बी वोरस फिर बटरफ्लाई के बारे में एंड हमिंग बोर्ड ये क्या करते हैं दे डू नॉट नीड टू वरी अबाउट च्यूइंग देयर फ्रूट दे हैव माउथ पार्ट्स शेप लाइक स्ट्रॉ स्ट्रॉ जैसा इनका माउथ होता है टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स तो वो क्या करते हैं उनका एक स्पेशल स्ट्रॉ के जैसा उनका एक माउथ होता है विच डायरेक्टली सक फ्लूड फ्रॉम द फ्लावर्स तो उनका बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड के केस में दे आर हैविंग अ स्पेशल ऑर्गन तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा कि हरबी बोरस के स्पेशल करेक्टर्स क्या होते हैं क्योंकि उनको अपने फूड को च्यू करना होता है ग्राइंड करना होता है तो उनके दांत वैसे ही बने होते हैं स्क्विरल के दांत शार्प होते हैं बिकॉज उसको क्या करना होता है नट्स को क्रैक करना पड़ता है कडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि दो दो बार च्यूइंग किया जाता है फूड को बटरफ्लाई और हमिंग बर्ड के पास क्या होता है इनके पास एक स्पेशल लॉन्ग वाला माउथ होता है तो दीज आर द बेसिक बेसिक थिंग्स फिर आती है बात ओमनिवरस की अब ओमनिवरस क्या होता है भाई ओमनिवरस होते हैं ओमनिवरस वो स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों तरीके के फूड को खा सकते हैं मतलब विच विल ईट प्लांट्स भी विच विल ईट एनिमल्स भी उसको ओमनिवरस कहते हैं ओमनीवर्स लाइक बियर एंड ह्यूमन बींग्स बियर भी है और ह्यूमन बींग्स भी है तो हम किसके जैसे हैं देखो यार बियर जैसे ह्यूमन बींग्स तो ह्यूमन बींग्स एंड बियर एंड ह्यूमन बींग्स बोथ तो कुछ कुछ ह्यूमन बींग्स तो बियर जैसे सिमिलर भी होते हैं ना तो देख लो तो बियर एंड ह्यूमन बींग्स आर बोथ ओमनिवरस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट हेल्प देम टू ईथ बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल तो बियर और ह्यूमन बींग्स की अगर टीथ में आप देखोगे ना उनके जॉ को आप देखोगे और उनके टीथ को देखोगे तो उसमें दोनों करेक्टर्स है मतलब दे कैन ईट प्लांट ऑल्सो दे कैन ईट अदर एनिमल्स ऑल्सो ओमनेवर जो होते हैं बर्ड लाइक ग्रो है शार्प एंड पॉइंटेड बीक टू हेल्प दैम ईट अ वराइटी ऑफ फूड तो वो तरह तरह के फूड को खा सकते हैं तो मतलब ओमनीवरस वो एनिमल्स होते हैं विच कैन कंज्यूम बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स तो उनके मॉडिफिकेशन क्या क्या होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल हैं बियर होता है उसका एग्जाम्पल क्रो होता है उसका एग्जाम्पल और ह्यूमन्स होते हैं उसके एग्जाम्पल तो उनके जो टीथ के मॉडिफिकेशन होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं ठीक है थीके? तो ये आपको इसमें से पता चलता है फिर एक लास्ट इन तीन कैटेगरी से हटकर एक कैटेगरी है स्केवेंजर्स एंड डी अब ये कौन से एनिमल्स होते हैं इंस्टेड ऑफ हंटिंग अब देखो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं इंस्टेड ऑफ हंटिंग लाइव एनिमल सम बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स दैट आर ऑलरेडी डेड वो ऑलरेडी डेड एनिमल्स को खाते हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी डेड एनिमल्स को ही खाते हैं वल्चर इज वन सच बर्ड दीज एनिमल्स और बर्ड्स आर कॉल्ड स्केवेंजर ठीक है उनको स्केवेंजर बोल दिया जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं ऑलरेडी डेड जो हो चुके हैं एनिमल्स उनको कंज्यूम करते हैं गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय और डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फंजाई एंड बैक्टीरिया आर द एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म ठीक है दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोज देखो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं वो मरे हुए एनिमल्स या बर्ड्स जो होते हैं वो मरे हुए एनिमल्स और बर्ड्स ऑलरेडी डेड एनिमल्स एंड बर्ड्स के ऊपर फीड करते हैं और कुछ क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड डिस्ट्रॉय और डीकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें स्पेशली बैक्टीरिया और फंगस जो कि क्या करते हैं ऑलरेडी डेड प्लांट्स और एनिमल्स उसको डीकम्पोज करते हैं मतलब उसको खत्म करके वापस नेचर को वापस अर्थ को दे देते हैं उसकी वजह से इनको क्या बोलते हैं डीकम्पोजर्स टुगेदर विद स्केवेंजर्स डीकम्पोजर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर विदाउट दीज ऑर्गेनिजम्स अवर प्लानट वुड बी कवर्ड विद डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये जो कैटेगरी है लास्ट वाली स्कैंजर्स एंड डीकम्पोजर्स अगर ये नहीं होते ना तो अवर प्लानट वुड हैव बिन अ हीप ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स को जो डीकम्पोज करते हैं और जो उसके ऊपर कंज्यूम करते हैं दीज आर कॉल्ड स्कैंजर्स एंड डी कम्पोजर्स तो इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है अगर ये नहीं होते तो क्या होता अगर ये नहीं होते तो हमारा जो प्लानट है फुल ऑफ फुल ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल उससे पूरा भर गया होता अभी तक राइट right? तो ये जो था एन uh, का साइंस की एन क्लास सिक्स का फर्स्ट चैप्टर था तो एक बार हम ख़त्म करने से पहले जल्द से एक छोटा सा क्विक रिविज़न कर लेते हैं इसमें हमने पढ़ा था अबाउट फूड फूड की क्या क्या ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए एनर्जी के लिए रिपेयर के लिए एंड डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए और डिजीज से हमें रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है फूड जो होता है प्लांट से हमें मिलता है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं जिसके लिए क्या क्या जरूरत होती है लाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है डिफरेंट प्लांट्स प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो हम वो एडिबल होते हैं जैसे कि रूट्स जैसे कि स्टेम जैसे कि फ्लावर्स जैसे कि लीव्स है ना सीड्स ये सब जो हैं एडिबल होते हैं फिर एनिमल होते हैं एनिमल के जो एनिमल इट्स उसका फ्लैश ऑफ द एनिमल एज वेल एज एग हनी मिल्क चीज़ ये सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एनिमल से हमको खाने के लिए मिलते हैं फिर जो एनिमल की डाइटरी हैबिट्स होती हैं उसके बेसिस पे हमने उसको क्लासिफाई किया है कार्निवोरस हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस उसके बारे में फिर हमने बताया है कि कार्निवोरस हर्बीवोरस और ओमनीवोरस के क्या क्या स्पेशल करेक्टर्स होते हैं फिर लास्ट में हमने पढ़ा है स्केवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स के बारे में सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया आ गया होगा दिस इज वेरी बेसिक चैप्टर ऑफ एन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर thank you so much by that time and keep reading for your exam good luck bye-bye